लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, फिलहाल ये तय नहीं हुआ है। रेस में फिलहाल सबसे आगे हैं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। तो आइए जानते हैं, अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं बनते हैं तब इस रेस में कौन आगे हो सकता है, यानी कौन चुना जा सकता है। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शशि थरूर की। 68 साल के हैं शशि थरूर, दक्षिण भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं। वो इसके अलावा ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के संस्थापक हैं। 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं शशि थरूर। संयुक्त राष्ट्र में अंडर सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। एक नाम है मनीष तिवारी का। पंजाब के रहने वाले मनीष तिवारी 58 साल के हैं, फिलहाल चंडीगढ़ से कांग्रेस के सांसद हैं। पेशे से वकील हैं, केंद्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उन्होंने 4 किताबें भी लिखी हैं। एक और नाम है 61 साल के केसी वेणुगोपाल का। केसी वेणुगोपाल मौजूदा समय में गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। फिलहाल वो राज्यसभा सांसद हैं और उसके साथ ही संगठन यानी कांग्रेस में प्रभारी और कांग्रेस के महासचिव हैं। वो इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं। दिल्ली में जन्मे गौरव गोगोई को कैसे छोड़ दें? गौरव गोगोई 3 बार के सांसद हैं, लोकसभा में कांग्रेस की ओर से डिप्टी स्पीकर और WEF यंग ग्लोबल लीडर हैं। उनकी रुचि अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और पर्यावरण जैसे मुद्दों में रहती है। अक्सर वो संसद में खूब बोलते नजर आते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष बनना और उसके बाद उसके वेतन में क्या कुछ होता है, मतलब अगर ये सवाल पूछा जाए कि नेता प्रतिपक्ष को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, तो इसका एक जवाब पहले तो आप जान लीजिए। नेता प्रतिपक्ष को वेतन के रूप में 50,000 रुपये तनख्वाह प्रति माह मिलती है। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष को भत्ते भी दिए जाते हैं, जिनमें 45,000 रुपये निर्वाचन भत्ते के रूप में हर महीने मिलते हैं। 2,000 रुपये प्रति माह सत्कार भत्ता दिया जाता है। राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष बने तब उन्हें यह मकान भी मिलेगा। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगा और ये अपर क्लास का फर्निश्ड सरकारी बंगला होगा। यात्रा की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष को समूचे भारत में सरकारी काम से आने जाने के लिए मुफ्त हवाई और रेल सफर की सुविधा मिलती है। ट्रांसपोर्ट के तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन को ऑफिशियली यानी आधिकारिक काम के लिए सरकारी कार और ड्राइवर तक मुहैया कराया जाता है। कांग्रेस के नेता अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बने तो उन्हें स्टाफ भी मिलेगा, उन्हें सरकारी सचिवालय में ऑफिस के साथ जरूरी कर्मचारी दिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष के लिए इलाज की व्यवस्था भी रहती है, वो सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा संबंधी सुविधाएं पाने के हकदार हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए तब उन्हें सिक्योरिटी भी मिलेगी, ये सुरक्षा उच्च स्तर की होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।